नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम आप लोगों को बताएंगे कि पीच लीफ कर्ल क्या होता है और कैसे इसका कंट्रोल किया जाता है। तो बहुत सारे किसानों का इस समय प्रश्न है ये, और बहुत सारे किसान हमसे ये फ़ोटो शेयर कर रहे हैं कि हमारे जो पीच है, आड़ू है या जो नेक्टरिन है, उसमें जो आगे की पत्तियाँ हैं वो कर्लिंग हो जा रही है, स्वेलिंग हो जा रही हैं और लेदरी हो जा रही है, और उसमें डिफॉर्मेशन हो जा रहा है पत्तियों में। तो इसका कारण क्या है और कैसे इसका कंट्रोल किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा कि ये पीच लीफ कर्ल कैसे होता है, किसके कारण से होता है और कैसे इसका कंट्रोल किया जाता है। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें पत्तियाँ एकदम से कर्लिंग हो गई है और पीला पड़ रहा है, और उसके बाद ये बाद में ग्रेइश हो जाता है, येलोइंग के बाद इसमें ग्रेइश हो जाता है और पत्तियाँ ऐसे थिकेंड हो जाती हैं, मोटी मोटी जैसे लेदरी टाइप की हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम पीच लीफ कर्ल कहते हैं, और ये पीच लीफ कर्ल टेफ्रिना डिफॉर्मेंस एक फंगस है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो इस बीमारी को रोकथाम के लिए आपको अभी से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से इसमें कर्लिंग हो गई है और काफ़ी थिकेंड हो गई है और पूरा डैमेज हो गई है। पहले पत्तियाँ इसमें पूरी मुड़ जाती हैं, और उसके बाद ये आप देख रहे हैं किस प्रकार से पत्तियाँ एकदम से पूरी डैमेज हो गई हैं। और पहले ये पत्तियाँ डैमेज होती है, उसके बाद उसमें फ्रूट्स में भी इसमें इन्फेक्शन आ जाता है, और धीरे धीरे करके ये पूरा जो आपकी सेटिंग है, फ्रूट सेटिंग, वो ख़त्म हो जाती है। तो पहले हम इसका ये जानना चाहेंगे कि इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, किस कारण से ये पीच लीफ कर्ल होती है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे पूरे पेड़ों में फ्रूटिंग के टाइम में भी ये आ चुकी है, जहाँ जहाँ पे फल हैं वहाँ पर भी ये पीच लीफ कर्ल आया है। ये जो पीच लीफ कर्ल है, इसका मेन कॉजल ऑर्गेनिज्म है टेफ्रिना डिफॉर्मेंस। ये जो एक फंगस है, फंगस की वजह से, टेफ्रिना डिफॉर्मेंस एक फंगस है जिसकी वजह से ये पीच लीफ कर्ल होता है। और एक रीज़न दूसरा है इसमें, एफिड का इन्फेक्शन भी है। तो पीच लीफ कर्ल एफिड, जिसको हम लोग कहते हैं पीच लीफ कर्ल एफिड, की वजह से भी ये लीफ कर्ल की प्रॉब्लम होती है इसमें। और ख़ासकर ये आड़ू और नेक्टरिन में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा पीच में ये प्रॉब्लम आ चुकी है। नेक्टरिन का पेड़ है, इसमें अभी लीफ इमरजेंस स्टार्ट हुआ है, तो इसमें अभी इस प्रकार के लीफ कर्ल, पीच लीफ कर्ल का भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि ये हमारा पीच का प्लांट है, पीच में लीफ इमरजेंस काफ़ी पहले हो गया था, लगभग 2 हफ्ते पहले, तो इसमें ये लीफ कर्ल की प्रॉब्लम दिखने लगी है। आप देख सकते हैं आगे से जो इसके टिप की लीफ है उसमें लीफ कर्लिंग प्रॉब्लम, और इसके बाद ये धीरे धीरे पूरा आगे तक इसको फैल जाएगा और ये फ्रूट्स को भी इफ़ेक्ट करेगा, फ्रूट्स में भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए अभी आपको तुरंत कंट्रोल करना है। और ये देखिए नेक्टरिन में अभी, क्योंकि स्टार्ट हुआ है, अभी इन्फेक्शन देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें एफिड्स काफ़ी घूम रहे हैं, देखिए ये देखिए आप एफिड्स, इसमें बहुत ज़्यादा एफिड्स घूम रहे हैं। तो एफिड्स को भी आपको कंट्रोल करने के लिए, इसके कंट्रोल की हम लोग अगर बात करें, तो क्योंकि ये फंगल डिजीज़ है, फंगस की वजह से है, टेफ्रिना फंगस की वजह से, तो इसके कंट्रोल के लिए कॉपर बेस्ड फंजीसाइड इसमें बेस्ट माना जाता है। कॉपर कंटेनिंग और सल्फर कंटेनिंग जो फंजीसाइड्स होते हैं वो इसके कंट्रोल के लिए बेस्ट माना जाता है, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड सल्फेट है, कॉपर अमोनियम सल्फेट है। तो जो भी कॉपर बेस्ड फंजीसाइड्स है वो इसके कंट्रोल के लिए बेस्ट माना जाता है, और उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये लीफ इमरजेंस के 2 सप्ताह बाद, लगभग 2 वीक्स के बाद इसमें ये लीफ कर्ल की प्रॉब्लम आ जाती है। कॉपर बेस्ड जो फंजीसाइड्स हैं उनका स्प्रे किया जाता है, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हम इसमें स्प्रे कर सकते हैं, और सेफ़ है, बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान नहीं है। इसके साथ साथ हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ हम हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल का भी इसमें मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एफिड भी काफ़ी ज़्यादा आ रखे हैं। आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको ला के देखेंगे तो बहुत सारे एफिड्स इसमें निकल रहे हैं, तो ये जो एफिड्स हैं ये भी पूरा सक कर देते हैं लीव्स को, और जहाँ जहाँ पे ये लीफ कर्ल्स है वहाँ पे एफिड का भी इन्फेक्शन है। तो बेस्ट यही है कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, यानी कि
100 लीटर का अगर आपका टैंक है तो 300 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, और उसके अलावा 100 लीटर में 500 ml आप 5 ml पर लीटर के हिसाब से हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल भी डाल सकते हैं, हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल या फिर आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो इसके कंट्रोल के लिए बेस्ट यही है कि आपको दोनों का स्प्रे करना पड़ेगा, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और प्लस हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल, दोनों का स्प्रे आप अभी तुरंत कर लीजिए और एक सप्ताह के बाद आपको फिर से उसको रिपीट करना है, यानी कि उस स्प्रे को आप दोबारा एक बार फिर से करेंगे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल या नीम ऑयल। इसके साथ साथ आप अगर आपके पास कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नहीं है तो बॉडेक्स मिक्सचर का भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं है। बेस्ट वही है कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड सल्फेट या कॉपर अमोनियम सल्फेट जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका स्प्रे कर सकते हैं, और पेस्टिसाइड्स का कम से कम यूज़ करें क्योंकि इस समय आपकी फ्रूटिंग आ चुकी है और उनका रेजिडुअल इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए आप लोग पेस्टिसाइड्स का कम से कम यूज़ करें। जैसे कुछ लोग इमिडा क्लोरोपिट का स्प्रे कर देते हैं या क्लोरोपाइरीफॉस का स्प्रे कर देते हैं, इसके अलावा बहुत सारे जिनके रेजिडुअल इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि अभी फ्रूटिंग टाइम है, तो आप अवॉइड करिए जो हमारे ऐसे इस प्रकार के इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स से। आप कोशिश करिए कि कॉपर बेस्ड फंजीसाइड और हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल का ही स्प्रे करें, और मैंने आपको बता दिया अगर आपका 100 लीटर का टैंक है तो 100 लीटर के टैंक में आपको 300 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 500 ml हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल का मिक्स करके आपको इसका स्प्रे करना है, फोलियर स्प्रे, और एक सप्ताह के बाद आप इसको रिपीट करना है। अगर आपके पास इस प्रकार की 20 लीटर की नैपसेक स्प्रेयर है तो आप इसमें देखिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसमें बहुत सारे ब्रांड आते हैं जैसे टाटा का ब्राइटॉक्स है, तो इसको 60 ग्राम हम इसमें डालेंगे इस टैंक में, क्योंकि हमारी 20 लीटर की नैपसेक स्प्रेयर है तो इसमें हम लोग 60 ग्राम डालेंगे। इसके अलावा एफिड कंट्रोल के लिए हम नीम ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं जो इसमें एफिड्स लगे हैं, तो लीफ कल का प्रॉब्लम फंगस की वजह से भी हो सकता है और एफिड का इन्फेस्टेशन से भी, तो इसके लिए हम लोग नीम ऑयल का यूज़ करेंगे। नीम ऑयल के अलावा हम लोग हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं।